हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इसको किस तरह से आप बना सकते हैं, आपको इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत इजी मेथड है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी वे में मैं समझा भी दूंगा आपको। प्रैक्टिकली आप अपने घर के लिए भी कुछ भी मॉडिफिकेशन या फिर फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपको। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक एंड कीप सपोर्टिंग मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। मेक दिस एज इंडियाज नंबर 1 हाउस कंस्ट्रक्शन चैनल। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ओके, ये कैसा बनाते हैं, इसको सपोर्टिंग कैसा दिया जाता है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एंड रेशियो क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरह से इसको चिटकाते हैं, चिटकाना मतलब इसको किस तरह से आप अटैच कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड नीचे ये जो आप हवा में लटका हुआ देख रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में इसको सपोर्टिंग चाहिए ना, वो सपोर्ट किस तरह से मिल जाएगा उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक वीडियो। ओके, फर्स्ट पूरा मैं फुल व्यू में दिखा दूंगा, उसके बाद बहुत इजी है, उतना कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है, समझो। यहाँ देखिए, ये एक 40x30 का घर है, फ्रंट एलिवेशन इसका। इससे पहले इस घर का भी वॉक थ्रू मैं दिखाया था सेमी कंस्ट्रक्टेड वे में, अभी फुल व्यू में मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे ये आने वाला है, मतलब ये जो है आपका सेपरेट टैंक लेवल या फिर जो पार्किंग लेवल रहता ना, पार्किंग का जो बेसमेंट लेवल, वो पूरा एक लाइन लिया गया। उसके बाद कंपाउंड वॉल पूरा प्लेन मतलब पूरा प्लास्टरिंग किया गया। ओके, प्लास्टरिंग करने के बाद ये प्रोसेस किया गया, एंड उसमें भी दो तीन टाइप का है, दो टाइप का मतलब, एक हाफ कटेड ब्रिक्स, एक जो है फुल लेंथ ब्रिक्स, फुल मोटाई जो है पूरा फुल है, एक में जो है हाफ वाला मोटाई का है। एंड वहाँ पर भी सेम उसी तरह से वर्क किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जहाँ पे जो मॉडल जो आप चूज़ करते हैं ना, वहाँ पे किस तरह से आना चाहिए बोल के आप पूरा मार्किंग करना चाहिए। जैसे वहाँ पर एक मार्किंग किया गया हल्का सा, आप देख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट आते हैं, इसको सपोर्ट कैसे देना। ओके, मैं नीचे जाके दिखाऊंगा आपको। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जो भी आप देखना चाह रहे थे ना, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मेन जो, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक किला है, इधर एक नेल है। ये नेल जो है बम्बई मोली बोलते हैं हम इसे, बम्बई किला। हाँ, ये शायद 6 इंच या फिर 5 इंच का किला है, किलो हिसाब से मिलता है आपको। 5 इंच का किला आप ले लीजिए, या फिर ये जो फ़ोटो है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप पूछ सकते हैं उनको, हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा ये वाला किला, बम्बई किला बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट, ये जो जितना भी किला है ना, सबको सपोर्ट दिया गया विद द हेल्प ऑफ 8 mm रॉड या फिर 10 mm रॉड का सपोर्ट दिया गया इसको, सभी को, बिकॉज वज़न भी उठाना चाहिए ना। हर एक जगह तो हम किला का सपोर्ट नहीं दे सकते, तो उसकी वजह से क्या किया, हर एक लेंथ पे, मतलब एक देखिएगा डिस्टेंस, ये जो है ना डिस्टेंस, करीब इन दोनों के किलों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, करीब आपको 1-1 फीट की दूरी पे दिया गया। 1 फीट के अंदर आपको कम से कम 4×4 = 12, 3 ईंट बैठ जाएगा। ओके, ये 3 ईंट, 1, 2, 3 ईंट बैठा के एक किला मारेगा, यहाँ पे किला, तो ऐसे किला मारना कि ये बीच में जैसे भी आप मार सकते हैं, बट मेन सपोर्टिंग जो है ना, ये वाला रॉड से मिलता है आपको। ठीक है दोस्तों, ये एक याद रख लीजिए, मेन सपोर्ट देते हैं रॉड का सपोर्ट देके। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप, चिटकाने का स्टेप आता, मतलब उसको जॉइंट भी चाहिए ना। अगर आप मान लीजिए ये आपका ब्रिक है, और क्वालिटी अच्छा वाला क्वालिटी, A1 क्वालिटी लेना ब्रिक्स, और पानी में फुल पूरी तरीके से पानी में भिगा के लेना चाहिए। पानी में भिगा है तो क्या है, जितना भी उसके अंदर का जो भी पानी, जो जितना भी पीना क्या रहता है वो पी लेगा। पीने के बाद नेक्स्ट जो है सीमेंट, इसको चिटकाना। सीमेंट जो है ये वाले फेस पे, एक कौन सा था, एक फेस, मतलब जहाँ पर जो रफ फेस रहता है ना, ये ईंट है जो आप ईंट देख रहे हैं ना, उसका जो रफ साइड रहता है वहाँ पे जो है पेस्ट लेना, बिकॉज जहाँ पर स्मूथर साइड रहता है वहाँ पे ग्रिप आपको सही तरीके से नहीं मिलेगा। जहाँ पर रफ रहता है ना, उस तरफ जो है आपको सही तरीके से वो चिटकेगा। ओके, उसकी वजह से क्या है, एक तरफ चिटका के पूरा सेम है, प्योर सीमेंट है ये, उसके अंदर कोई सैंड मिक्स नहीं है, एकदम प्योर सीमेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरा प्योर सीमेंट लेके उसको चिटकाना चाहिए। इसको एक एक तरफ लगा लीजिए, लगा दिया समझो, फिर ऐसा
कैसे भी नीचे सपोर्ट रहता है, सपोर्ट मिल गया समझो आराम से वो बैठ जाएगा। आप चाहे तो पूरा ये जितना भी वर्क किया गया ना एक दिन में आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में आप पूरा ये वर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उधर फुल फुल था ब्रिक, ओके, उसको जो है मशीन विद द हेल्प ऑफ मशीन की हेल्प से मदद से जो है आप इसको हाफ ब्रिक में कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लास्टरिंग का जो प्लास्टरिंग वर्क रहता है ना उसमें आप एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये जो है हाफ हाफ कटेड है, फिर उसके बाद फुल अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन के हिसाब से बनाएगा सेम एज़ यूजुअल। अब सिंगल जो विंडो को हम करते हैं ना सेम वही मेथड है यहाँ पर भी, जो विंडो को यूज़ किया जाता है ना, ये जो है विंडो आपका, और इसको देखिएगा ये जो दो किल्ला का सपोर्ट दिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किल्ला का सपोर्ट की वजह से क्या है इसको चिटकाया गया। ओके, ये जो बाद में लगाए होंगे बस ये जो है किल्ले के सपोर्ट की वजह से पूरा वर्टिकली ठहरा जाता है। इसको इधर एक उधर एक दो सपोर्ट देके इसको एक दो दिन रखिए समझो, फिर बाद में नेक्स्ट डे आप इसको पूरा जहाँ चाहिए वहाँ तक आप रेज किया जा सकता है। तो ये एक मेथड है इसको ये वर्क करने का एक मेथड, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। आई होप सो आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। आई थिंक सो ये वीडियो बहुत लोग सर्च भी कर रहे होंगे किस तरह से करते हैं या फिर सपोर्टिंग कैसा देना चाहिए, वो आपको जितना जो भी डाउट है शायद क्लियर हुआ होगा आज मेरे ख्याल से। एंड आज फ्राइडे है एंड जुम्मा मुबारक आप सभी को। ओके दोस्तों, ये पूरा फुल व्यू में इस तरह से दिखेगा आपको। प्लास्टर करने के बाद कैसा दिखता है आपको और एक बार मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम वीडियो को वॉच करने के लिए। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहना और आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सब कुछ नॉलेज मिलेगा हमारे इस चैनल से। थैंक यू, हैव ग्रेट डे।